वो भी की इनजस्टिस नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे चाहिए, रेफरेंस बेस पे नहीं चाहिए। हमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे चाहिए, रेफरेंस बेस पे नहीं चाहिए। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा नाम आकिफ फयाजवानी है। हम सारे स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, जो इस साल भोपी कंडक्ट कर रही है। हमें लगा कि जैसे पहले सिलेक्शन होती थी ये नर्सिंग स्कूल्स की, नर्सिंग कॉलेज की, वैसे इस साल भी होगा। अब जब हमने देखा कि कल रिजल्ट आया है और ये बोल रहे हैं काउंसलिंग होगी किस बेस पे, सिलेक्शन उस बेस पे होगी जैसी आपने प्रेफरेंस दी है। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरे उस वक्त हमें प्रेफरेंसेस नहीं मिली थी। जब एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हुआ उधर हमें दिखा था कि खाली बीएससी नर्सिंग में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में नो लिखा था, खुद ही हमने नो नहीं किया था। लेकिन कल जब रिजल्ट आया ये बोल रहे हैं काउंसलिंग उसी बेस पे होगी, किस बेस पे, प्रेफरेंस बेस पे। अब हमारा मुद्दा यह है कि काउंसलिंग होनी चाहिए मेरिट बेस पे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि प्रेफरेंस बेस पे होगी। और जब हम सेक्रेटरी से मिलने गए ओपी पे तो हम 9 बजे से बराबर अभी तक वेट कर रहे थे उनका, उन्होंने मिलने नहीं दिया, हमें 2 मिनट्स नहीं दिए, बदतमीजी की, सिक्योरिटीज को बुलाया, हमें नीचे मतलब घसीटते हुए नीचे ले गए, हमसे ये सेक्रेटरी नहीं मिले ओपी के। हमारा मुद्दा है कि सिलेक्शन मेरिट बेस पे होनी चाहिए, प्रेफरेंस बेस पे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि प्रेफरेंस बेस पे सिलेक्शन होनी है। जी हमारा मुद्दा यह है कि खाली मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो।